ग्लॉकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की नसें खराब हो जाती है, राइट। तो ग्लॉकोमा के वैसे तो काफी सारे प्रकार है, पर इसे हम अमूमन दो तरीके से बांटते हैं। पहला प्रकार होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा और दूसरा प्रकार होता है एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। क्या होता है, हमारी आंखों में निरंतर एक द्रव्य पदार्थ बनते रहता है, और यह द्रव्य पदार्थ बनता भी है और आंख से बाहर निकलता भी है। हमारी आंखों में कुछ छोटे 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 छोटी छन्नियां होती है, उसके थ्रू यह द्रव्य पदार्थ आंख से बाहर निकलते रहते हैं। किसी कारणवश अगर यह छन्नियां धीरे 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 अगर फिल्टर करना बंद कर दे, तो आप ये समझिए कि एक बंद कमरा है, ठीक है। उस बंद कमरे में एक तरफ से तो पानी आ रहा है पर दूसरी तरफ जा नहीं रहा है। तो अगर यह जा नहीं रहा है तो एक समय के बाद में उस कमरे का दबाव बढ़ जाएगा, मतलब आंखों का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे हमारे खून में प्रेशर होता है, वैसे हमारी आंखों में भी प्रेशर होता है, जिसे हम इंट्राऑक्युलर प्रेशर कहते हैं। तो कुछ समय के बाद यह प्रेशर बढ़ सकता है, और अगर यह एक लेवल से ज्यादा हो जाता है तो यह हमारी नस को डैमेज करता है, और हमारी नस की डैमेज हमारी आंखों की रोशनी को कम करता है। अगर यह दूसरे प्रकार का ग्लॉकोमा है, जिसे हम एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं, तो हमारी आंख में एक अंग होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं। जैसे ये ब्राउन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सो ये आयरिस होता है, ठीक है। किसी कारणवश अगर यह आयरिस, यहाँ पे हमारा ड्रेनेज एंगल होता है, मतलब जो छन्नी होती है जिसके थ्रू वह द्रव्य बाहर निकलता है, तो किसी कारणवश अगर यह आयरिस इस छन्नी को ब्लॉक कर दे तो हम इसे एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं। तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो ये दूसरे प्रकार का ग्लॉकोमा हो गया। ये हमारी आंख होती है, ठीक है। तो और ये हमारी आंख की नस होती है, ठीक है। तो अगर आंखों का प्रेशर बढ़ता है तो यहाँ हमारी नस पे भी प्रेशर डालता है, तो जिसकी वजह से हमारी आंखों की नसों में खून का दौरा जो है वो कम हो जाता है। अगर यहाँ पे खून का दौरा कम हो जाएगा तो यहाँ से जो हमारी नस निकल रही है वो नस हमारी डैमेज हो सकती है। फिर भी हम, अगर हमारी नस खराब है तो हम नहीं देख पाते हैं शुरुआत में। इसमें जो होता है, लेट्स से अगर अपनी एक आंख बंद करता हूँ तो मुझे इतना एरिया दिखना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में यह क्या होता है कि ये देखने का एरिया धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो क्योंकि यह सेंटर, मतलब सामने की तरफ जो हमें दिख रहा है उसको अफेक्ट नहीं करता है, ये शुरुआत होती है इसकी पेरिफेरी से, मतलब बाहर की तरफ से, तो हमें शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, पर जैसे जैसे ये बढ़ता है और एक स्टेज में पहुंच जाता है कि जब हमें सेंटर का भी पोर्शन ठीक ठाक, मतलब सब सीधा सीधा साफ साफ दिखाई ना दे, उस समय हमें समझ में आता है कि हमें देखने में तकलीफ हो रही है, पर उस समय तक काफी देर हो चुकी होती। इसे हम ना ग्लॉकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। साइलेंट थीफ ऑफ साइट इसीलिए कहते हैं कि कुछ मरीजों में, जैसे जिनमें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लॉकोमा होता है, ऐसे मरीजों में तो कोई लक्षण नहीं मिलता शुरुआत में, जब तक आंखों की नस काफी हद तक डैमेज ना हो जाए, इवन 80% तक डैमेज हो जाती, उसके बाद हमें वो लक्षण समझ में आते। पर जो दूसरी प्रकार का ग्लॉकोमा होता है, जिसे हम एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं, इस प्रकार के ग्लॉकोमा में क्या होता है कि आंखों का प्रेशर, आंखों का दबाव जो होता है एकदम तुरंत बढ़ता है। तो ऐसे में पेशेंट को, मतलब मरीज को देखने में दिक्कत होना, आंखों में दर्द होना, सरदर्द होना, जी मचलना, थोड़ा उल्टी के जैसा लगना, और अगर रोशनी की तरफ देखें अपन तो रोशनी के आजू बाजू में इंद्रधनुष के जैसे कलर्स नजर आ सकते। ग्लॉकोमा जो है, वैसे तो हर किसी व्यक्ति जिसका जिसकी उम्र 40 या उससे अधिक है, ये हर कोई के किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि हेरिडिटरी, मतलब अनुवांशिक, जैसे आपके परिवार में किसी को ग्लॉकोमा है तो आपको होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर किसी के आंख का प्रेशर जरूरत से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है, तो उसे ग्लॉकोमा होने के चांसेस लगते हैं। अगर किसी को आंख में चोट लगी हो, या अगर कोई लंबे समय तक स्टीरॉइड्स पे हो, स्टीरॉइड्स किसी भी फॉर्म में, मतलब टैबलेट में बोलिए आप, या इनहेलर, जो अस्थमा के मरीज होते हैं उसको एज ए इनहेलर यूज करते हैं, या ऑइंटमेंट, स्किन ऑइंटमेंट यूज करिए, तो अगर आप स्टीरॉइड काफी लंबे समय तक ले रहे हैं तो आपको ग्लॉकोमा हो सकता है, राइट। उसी के साथ साथ अगर किसी को मधुमेह या डायबिटीज है, या माइग्रेन की शिकायत है, या हाई ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे कुछ लोग जो होते हैं ये थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन से, जिनको ग्लॉकोमा हो सकता है। इवन जो बच्चे आज पैदा हुए हैं वो भी ग्लॉकोमा के साथ पैदा हो सकते हैं। पहले तो हम आंखों का दबाव मेजर करते हैं, नापते हैं, जिसे हम टोनोमेट्री कहते हैं।
उसके लिए हम गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर यूज करते हैं। उसके बाद हम आंखों का ड्रेनेज एंगल चेक करते हैं जिसे हम गोनियोस्कोपी कहते हैं। और तीसरा मेथड हो तीसरी इसमें तीसरा पार्ट होता है कि जिसमें हम आंखों की पुतली फैलाकर आंखों के पीछे की नस की और जो पीछे का पर्दा होता है दोनों की जांच करते हैं। इसके पश्चात इन तीनों के जांच के पश्चात ही हम बताते हैं कि मरीज को ग्लोकोमा है या नहीं, ठीक है। और रही बात इसके इलाज की, देखिए जो दूसरी प्रकार का ग्लोकोमा जो मैंने बताया एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, इसमें आप गोनियोस्कोपी मात्र से ये बता सकते हैं कम से कम मतलब 50% लोगों में आप ग्लोकोमा होने से बचा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, अभी अभी हमारे पास ये इस समय में हमारे पास आंखों का प्रेशर कम करने के लिए काफी सारी दवाइयां उपलब्ध है, ठीक है। तो जब तक पॉसिबल है हम दवाइयों के उपयोग से आंखों का प्रेशर कम करते हैं। अगर ऐसा एक समय आ जाए जब दवाइयों से भी आंखों का प्रेशर कम नहीं हो रहा है, अब इस परिस्थिति में हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर बहुत इनिशियल बहुत शुरुआती दौर पे अगर कोई मरीज आपके पास आता है और अगर शुरुआती दौर पे ही हमने उसका प्रेशर मेंटेन कर लिया है तो जो गई हुई विजन है जो गई हुई रोशनी है वो तो वापस नहीं आती है। एक बार जो हमारी नस डैमेज हो जाए वो वापस से रिकवर नहीं करती, पर जो रोशनी बची हुई है हम उसको बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ग्लोकोमा हो जाएगा। एक तो पहले हमको ये देखना है कि क्या हम उस रिस्क कैटेगरी में आते हैं क्या, राइट। अगर आप उस रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको आपके नजदीकी एक नेत्र विशेषज्ञ से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उनसे आप प्रेशर चेक करवाएंगे, गोनियोस्कोपी करवाएंगे, पीछे की नस चेक करवाएंगे। अगर आप उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और एक नॉर्मल जो आपके डे टू डे काम है नॉर्मल डाइट ले सकते हैं, एक अपना बैलेंस डाइट साथ में एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं वो करना है। इसमें बस ध्यान ये रखना होता है कि ऐसी जो भी एक्सरसाइजेस है जिसमें अपने बॉडी का प्रेशर बढ़ता है, बॉडी का जो अंदरूनी दबाव है वो बढ़ता है, तो अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आपको कम से कम साल में एक बार तो भी कम से कम जांच करवानी है। स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैलेंस डाइट, मतलब खाना जो है वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी नेट इंटरनेट पे उपलब्ध है तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना है। और साथ में अगर आपको चश्मा है तो चश्मा यूज़ करना है और आपको आंखों की हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब साफ़ सफाई रखनी है।